हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। ये टेक्सटाइल एंड अपैरल साइंस का हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इससे पहले हमने चाइल्ड डेवलपमेंट को और फूड एंड न्यूट्रिशन को भी कवर किया है। उसकी सभी वीडियो इसी चैनल पर हैं, तो आप वहां जाकर इसको देख सकते हैं। ये जैसे गाइस, आपको मैंने पहले ही बताया है कि ये सारे नोट्स हैं वो डिफरेंट सोर्सेज से हैं, तो प्लीज़ आप इसको बार बार सुनिए, आपको बहुत इजी लगेगा। अगर आप कोई भी सोर्स आप बाद में रेफ़र कर रहे हैं, यादला है, कोसमोस है, अरिहंत है या अदर सोर्सेज, कुछ भी आप कवर कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर से डायरेक्ट मैंने एनालिसिस कर करके वहाँ से स्टेटमेंट उठा उठा के एग्जैक्टली नोट्स बनाए हुए हैं। हैंड रिटन नोट्स हैं ये, और बस गाइज आपके लिए तो टोटली फ्री हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना, कोई एफर्ट्स नहीं करने, सिर्फ और सिर्फ इनको 2 to 3 times आप लिसन कर सकते हैं, और उससे आपको बहुत अच्छे से मेमोराइज हो जाएगा, बहुत इजी लगेंगे आपको बाद में। और मैं आपको यही गारंटी दे रही हूँ कि आप 70% है इसका कवर कर जाएंगे सिलेबस को, और 70% आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे होम साइंस का। तो आप प्लीज़ इनको सुने बार बार और मेमोराइज करने की कोशिश करें। तो चलिए आज हम चलते हैं नेक्स्ट अपने मेन कंटेंट की साइड। तो आज हम जो क्लास में करने जा रहे हैं वो आपको ब्रीफ एक बार मैं बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, देन क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन, देन एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन। तो चलते हैं मेन क्लास की साइड। प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, इसमें ये जैसे प्रोपोर्शन है, बैलेंस है, रिदम है, एम्फेसिस है, ये होंगी। तो उसमें क्वेश्चन ये आता है डायरेक्टली कि जैसे एक स्टेटमेंट में ये मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है कि प्रोपोर्शन है वो क्या है, सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसेस है, फिर है कि रिलेशन बिटवीन साइज एंड एरिया टू वन अनदर, फिर ये प्रोपोर्शन दिया हुआ है जैसे 2 to 3 है, 3 to 5 है, तो उसमें ये पूछ लेते हैं कौन सा प्रोपोर्शन है ये। तो ये भी क्वेश्चन में आया हुआ था, ये ग्रीक प्रोपोर्शन है, और रिलेशन है ये एक स्टेटमेंट ये भी है कि रिलेशन बिटवीन साइज ऑफ डिज़ाइन ऑन द फैब्रिक एंड साइज ऑफ द वियरर। तो आपको गर्ल्स ये कोई भी एक स्टेटमेंट उठा के दे देंगे, या फिर पूरा का पूरा स्टेटमेंट दे देंगे, या कुछ और ऐड अप कर देंगे हल्का सा। तो आपको ध्यान रखना है, कीवर्ड्स को उठाना है कि क्या है कि ये डिज़ाइन और फैब्रिक टू या वियरर है, उसके साइज़ के रिलेशन में जो है वो उसको प्रोपोर्शन बोलेंगे। जैसे स्कर्ट है वो लेंथी है, तो उसके लिए लेंथी बनानी है या शॉर्ट बनानी है, या फिर टॉप है वो शॉर्ट बनाना है, उसकी हाइट क्या है, या फिर उसमें डिज़ाइनिंग क्या है। तो प्रोपोर्शनली हम देखेंगे कि उस कैसे फिगर पे वो सूट कर रही है, तो उस टाइप से हम इसको प्रोपोर्शन बोलेंगे। फिर है बैलेंस, बैलेंस है इसकी भी कीवर्ड है कि वेट डिस्ट्रीब्यूशन करता है ये, इसकी फीलिंग है कि मतलब डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें हम वेट को। फिर है प्रोड्यूस ए फीलिंग ऑफ रेस्ट एंड रिपोज, जैसे यहाँ पे सिमिलर बैलेंस होगा तो मतलब ये एक रेस्ट की फीलिंग देगा, या फिर ऐसे ऐसे डबल डबल ट्रिपल हो जाएगा, तो फिर ये हमें एक एक साइड से ऐसे लग रहा है कि जैसे नीचे गिरने वाला है, तो ये इसको हमें जैसे यही है डिफाइन कि प्रोड्यूस ए फीलिंग ऑफ रेस्ट एंड रिपोज। फिर है इक्वल अट्रैक्शन फ्रॉम साइड टू साइड, टॉप टू बॉटम एट्सेट्रा। फिर ये 2 types के होते हैं, फॉर्मल बैलेंस है वो सिमेट्रिकल होगा, इवन बैलेंस होगा, यहाँ पे जैसे टू मोटिव्स यहाँ पे हैं, तो 2 motifs यहाँ पे होंगे। फिर इसमें क्या करेंगे, नॉन सिमेट्रिकल में जैसे यहाँ पे बिग फिगर है, यहाँ पे स्मॉल फिगर आ जाएंगे, सॉरी डिज़ाइन आ जाएंगे, या फिगर जो भी है जैसे एनिमल्स का ही फिगर है वो ले रहे हैं, तो अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल ये ध्यान रखना है थोड़ा। फिर है रिदम, रिदम को हम डिफाइन करेंगे, प्लीजिंग सेंसरी मोशन क्रिएट कर रहा है ये, फिर कॉन्टीन्यूटी होती है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, रिदमिक मूवमेंट ऑफ आइज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। फिर इसकी ये जो डिफरेंस वो है स्टेजेस हैं जैसे ट्रांजिशन, तो ये भी एक्सप्लेन कर देते हैं कोई भी जैसे स्टेटमेंट उठा दी इनकी सामने वाली, और फिर उसमें नीचे ऑप्शन होंगे ट्रांजिशन का है ये स्टेटमेंट, या ग्रेडेशन का, रिपीटिशन का है, या रेडिएशन का, तो आपको ध्यान रखना है थोड़ा। ग्रेजुअल मार्जिन ऑफ 2 lines फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन, इसका एग्जांपल दिया हुआ रफल्स का। फिर है ग्रेडेशन, ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज इन शेप्स, मतलब पहले बिग आ रही हैं फिर शॉर्ट आ रही हैं ऐसे करके, तो या फिर उसी फॉर्म में ओपोजिट हो रहा है। फिर है रिपीटिशन,
लॉन्ग रो ऑफ बटन्स, जैसे पॉकेट्स, कोई भी जैसे टू पॉकेट्स ऐसे ऐसे करके, ये बटन्स का है इस टाइप से, तो ये इसमें यूज होता है रिपीटिशन में. फिर है रेडिएशन, स्टार्टिंग ए लाइन फ्रॉम सेंटर पॉइंट टू अदर पार्ट्स, जैसे रेडिएशन है ये ऐसे इस टाइप से होता है ये, तो ये रेडिएशन का है. जैसे रेडिएशन आती है, जैसे सन से रेडिएशन आ रही है उस टाइप से, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जा रही है उस टाइप से रेडिएशन. फिर है ओपोजिशन, मोर और लेस कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ लाइन्स, एग्जाम्पल चेक्स, तो चेक्स में ऑब्वियसली ये इस टाइप से आगा, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा लाइन्स का, तो ओपोजिशन एक उस साइड से आ रही है तो एक उस साइड से आ रही है इस टाइप से, तो ये ध्यान रखना है. वैसे वर्ड्स के अकॉर्डिंग आ रहा है तो इसमें हल्का फुल्का कुछ स्टेटमेंट में कन्फ्यूजन रहे तो वो ध्यान रखना आपको, मैं इसलिए यहाँ पे कीवर्ड्स डाल दिए हैं. फिर है इम्फेसिस, क्रिएट इंटरेस्ट, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, और कंसीलिंग डिफेक्ट्स को भी करता है. जैसे हमने फेस को हमारा फेस सुंदर नहीं है तो हमने क्या करना है कि हमें हैंड्स पे कुछ अच्छा पहन लेना है, या फिर इस पे स्कर्ट को अच्छा बना लेना है, लेग्स पे फोकस कर देना है, तो कंसीलिंग ऑफ द डिफेक्ट्स करता है. और अगर हमारा हमें फेस को सुंदर दिखाना है तो हम फेस पे जैसे नेक पे कुछ अच्छा सा लगा लेंगे, या फिर माथे में कुछ टिक्का लगा लेंगे, तो इस टाइप से इम्फेसिस भी करवा सकता है, और जो डिफेक्ट अदर पार्ट में है तो उसको कंसील भी करता है. तो इम्फेसिस को ध्यान रखना है कीवर्ड्स को. फिर है हारमनी, हारमनी में कन्वे यूनिटी, व्हेन ऑल प्रिंसिपल फॉलोड कंप्लीट हारमनी विल बी द रिजल्ट. मतलब ये बोला जाता है कि ये सबकी मदर है, अगर हम सारे प्रिंसिपल को अप्लाई कर देते हैं तो उस पूरे डिज़ाइन में एक हारमनी सी शो करती है, तो इसको ध्यान रखना है. फिर है क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन का सेकंड टॉपिक हमारा, उसमें है ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग डेवलपिंग ए पैटर्न फ्रॉम बॉडी मेजरमेंट. तो इसमें डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बॉडी मेजरमेंट से हम फ्लैट पैटर्न बनाते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं या ड्रेपिंग करते हैं, तो बॉडी मेजरमेंट से क्या करेंगे, हम ड्राफ्टिंग करेंगे. फिर रिलायबल वे है इवन फॉर बिगनर, ड्राफ्टिंग डिपेंड्स ऑन द एक्यूरेसी ऑफ द सेट ऑफ मेजरमेंट. ये मेजरमेंट पे डिसाइड होता है कि हम कैसे ले रहे हैं, तो उसी टाइम उसी पे बेस्ड होएगा कि ड्राफ्टिंग हम कैसे कर रहे हैं. फिर है फ्लैट पैटर्न, इसमें क्या होगा कि पैटर्न ऑलरेडी बना हुआ है, बस हमने उसको फैब्रिक पे रखना है और उसको कट करना है, यूज़ करना है. तो इसको ये क्वेश्चन में ये आया हुआ था कि मोस्ट ईजी इसी को बोला जाता है. फिर कमर्शियल बेसिक पैटर्न इसी स्टार्ट विद होता है इससे. फिर चेंजिंग ऑफ बेसिक पैटर्न टू क्रिएट न्यू डिज़ाइन, ऑब्वियसली हम कोई बेसिक है तो उसमें जैसे हमने कोई डार्ट्स को ऐड करना है तो उसी बेसिक से हम उसको ऐड कर देंगे, इतना इंचज लेके हमें उसमें डार्ट्स ऐड करनी है, तो बेसिक पैटर्न बोला जाता है इसको. फिर हम उसमें डिजाइनिंग कुछ भी कर सकते हैं फ्लैट पैटर्न को. तो ये कीवर्ड्स हैं गर्ल्स, ये बहुत आती हैं इसके अंदर, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कीवर्ड्स कैसे उठा रहे हैं और कैसे इसका मतलब हमें मेमोराइज रखना है. तो इसके लिए आप क्वेश्चन पेपर देखते रहिए और आपका मतलब कन्फ्यूजन भी दूर होता रहेगा इससे. तो साथ साथ में क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छी स्ट्रेटजी होगी कि आप इसके साथ साथ देख रहे हैं. तो चलते हैं हम नेक्स्ट. फिर है ड्रेपिंग, आर्टिस्टिक अप्रोच है ये. द पर्सन मेक्स द पैटर्न बाय फिटिंग क्लॉथ टू कर्व ऑफ ए ड्रेस फॉर्म, ओल्डेस्ट मेथड बोला जाता है ये कीवर्ड्स हैं, जैसे ओल्डेस्ट है, ये ईजीएस्ट है, या फिर मेजरमेंट्स हैं, ये बहुत मतलब क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसे ही वो आती हैं, स्टेटमेंट आती हैं, तो ध्यान रखना है. फिर ये क्या है कि जैसे वो डमी होती हैं, डमी के ऊपर हमने फैब्रिक लगाया, ग्रे फैब्रिक होता है, और उसको ड्रेप दिया, और फिर उसको ये जो पैटर्न है कुछ भी हमने वहीं पर डार्ट सेट कर ली, वहीं पर हमने प्लीट सेट कर ली, तो ये ड्रेपिंग का है. तो इसमें मतलब हमें समझ तो आ रहा है लेकिन बस ध्यान रखना है कि क्या है. द पर्सन मेक्स द पैटर्न बाय फिटिंग क्लोथ टू कर्व ऑफ ए ड्रेस फॉर्म, तो ये आर्टिस्टिक अप्रोच है इससे. मतलब कितने भी अच्छे हम एग्जैक्टली हम फिगर के अकॉर्डिंग ड्रेपिंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छा हम कुछ भी डिज़ाइनिंग ड्रेस बना सकते हैं. फिर है एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, इसमें लाइन हो गई, फॉर्म हो गए, कलर हो गए, शेप्स हो गई, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं. तो हम देखते हैं इसमें लाइन है, जैसे
एक्चुअल में जो एलिमेंट्स है उसके अंदर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे लाइंस के में से तीन या चार क्वेश्चन बन जाते हैं। वर्टिकल है, इम्प्रेशन ऑफ डिग्निटी देता है, स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट डिसिप्लिन, फिर एक्टिविटी को भी शो वर्टिकल लाइंस कर रहा है। फिर हॉरिजॉन्टल है, फीलिंग ऑफ रेस्ट एंड रिपोज, सॉलिडिटी, डाउन टू अर्थ फीलिंग, ट्रांसक्यूलिटी। ये आपको ध्यान रखना है, एक एक स्टेटमेंट, एक एक कीवर्ड्स हैं ये याद रखने हैं थोड़े से। और फिर है डायगनल, सोफेस्टिकेशन देता है, रेस्टलेसनेस देता है, रिफाइनमेंट देता है, अराउज इंटरेस्ट देता है, और शो मोमेंट और फोर्स। फिर है कर्व्ड लाइन, इसमें सॉफ्टनेस फील होता है, ग्रेसफुलनेस और फेमिनिटी। तो ये ध्यान रखना है, इसमें सोफेस्टिकेशन दे रहा है डायगनल में, और कर्व्ड लाइन में फेमिनिटी को शो कर रहा है, और सॉफ्टनेस इसमें भी दे रहा है। फिर है फॉर्म शेप, इस आउटर एरिया एनक्लोज बाय लाइन, ज्योमेट्रिक शेप, फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, कर्व्ड एंड नेचुरल फीलिंग ऑफ सॉफ्टनेस, इरेगुलर शेप, वीकनेस, इम्परमानेंस। फिर है रेक्टेंगुलर सिलाउट, रिजेंबल द स्क्वेयर बट गिव द लेंथ टू गारमेंट। ये ध्यान रखना है कि कौन सी लेंथ दे रहा है। फिर ये क्वेश्चन बहुत आता है कि सिलाउट को डिफाइन कर देंगे, इस द आउटर शेप ऑफ द गारमेंट को क्या बोलेंगे, सिलाउट बोलेंगे या कुछ फेसिंग दे देंगे, इस टाइप से अलग अलग दे देते हैं। तो ये मैंने चार या पांच क्वेश्चन पेपर से मैंने देखा है कि ये क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। फिर है टेक्सचर, मतलब टेक्टाइल इफेक्ट क्या है उसका, हम टच कर रहे हैं तो हमारा क्या अपीयरेंस आ रहा है। टेक्सचर इज़ द फील एंड अपीयरेंस ऑफ एनी सरफेस बेस्ड ऑन कंफर्ट एंड वेट। फिर है कलर, कलर में से भी गर्ल्स चार या पांच क्वेश्चन इजीली बन जाते हैं इसमें, या तो प्राइमरी कलर्स पूछ लेंगे डायरेक्टली, या फिर कूल कलर पूछ लेंगे, वार्म कलर पूछ लेंगे, या फिर टर्सरी पूछ लेंगे, या फिर ये जो रिलेटेड कलर स्कीम से पूछ लेंगे, मोनोक्रोमेटिक है या एनालोगस है, कॉम्प्लीमेंट्री है, इस टाइप से। तो मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ थोड़ा थोड़ा। कलर इज़ ए विजुअल एलिमेंट, इसकी भी डेफिनेशन पूछ सकते हैं कि ये क्या है। फिर है प्राइमरी बेसिक कलर, बेसिक ही प्राइमरी को बोला जाता है, रेड, येलो, ब्लू। फिर ये ब्लैक कलर किस लिए शो होता है, ऑल कलर ऑफ लाइट अब्जॉर्ब, तो हम अब्जोर हो जाएगी लाइट तो हमें ब्लैक कलर दिखेगा, और रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो हमें वाइट दिखेगा। फिर है सेकेंडरी कलर्स, रेड और येलो जो मिक्स हो रहा है तो ऑरेंज बन रहा है, और येलो एंड ब्लू मतलब प्राइमरी का मिक्सअप हो रहा है तो उसका सेकेंडरी कलर्स बन रहे हैं। रेड येलो है वो ऑरेंज, येलो ब्लू वो ग्रीन, रेड ब्लू वॉयलेट। फिर है टर्सरी, टर्सरी में प्राइमरी और सेकेंडरी का मिक्सअप है, ये ध्यान रखना। और ह्यू इज द बेसिक कलर, इट इज सिंगल डायमेंशन ऑफ कलर, ये भी पूछ लेते हैं ह्यू का मतलब क्या डेफिनेशन है। फिर है वार्मेस्ट एंड एडवांसिंग कलर कौन से, रेड एंड ऑरेंज है, ब्लू पर्पल है वो रिड्यूसिंग साइज में होते हैं और कूलेस्ट कलर माने जाते हैं। फिर ये जैसे ये बताया है इसके थ्रू, तो ये वैसे मैंने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। फिर वैल्यूज और सेचुरेशन का भी पूछ लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, लाइटनेस और डार्कनेस किसको डिफाइन कर रही है, इंटेंसिटी को कर रही है, वैल्यू को कर रही है। और लाइटनेस और डार्कनेस ऑफ द कलर इज़ द वैल्यू, इंटेंसिटी को क्या कहेंगे, स्ट्रेंथ और वीकनेस और ब्राइटनेस और डलनेस ये डिफाइन कर रही है इंटेंसिटी को। फिर कलर स्कीम्स हैं, रिलेटेड कलर स्कीम्स में क्या आएगा, मोनोक्रोमेटिक स्कीम है, इवॉल्व फ्रॉम सिंगल ह्यू, वेरीड इन ह्यू एंड इंटेंसिटी। तो उसमें जैसे ब्लू कलर है उसमें हम अगर वाइट ऐड कर रहे हैं तो वो मोनोक्रोमेटिक हो जाएगी, जैसे लाइट ब्लू है, डार्क ब्लू है, इस टाइप से। एनालोगस है कंबाइनिंग एडजॉइनिंग कलर्स, जैसे पास पास की जो भी इसके व्हील पे हैं, जैसे ब्लू और ग्रीन को मिक्सअप कर दिया, या ये टर्सरी कलर रहते हैं उनको ऐड कर दिया इसके साथ में, ब्लू के साथ लाइट ब्लू हो गया, जो टर्सरी कलर बनते हैं उनको ऐड किया, तो हम उसे क्या कहेंगे, एनालोगस एडजॉइनिंग कलर्स को हम कर रहे हैं। मोनोक्रोमेटिक सिंगल ह्यू से वेरिएशन आ रही है, इंटेंसिटी या ह्यू में डिफरेंस आ रहा है। फिर कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री में सिंगल हो गया, सिंगल होगा ओपोजिट,
जैसे ये येलो और वॉयलेट इसके ऑपोजिट हैं, ऑरेंज और ब्लू ऑपोजिट हैं, तो ये क्या होगा, सिंगल कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, इसके ऑपोजिट है। फिर है डबल, डबल जैसे ऑरेंज और येलो है इसका वॉयलेट और ब्लू ये। फिर है स्प्लिट, स्प्लिट में हम कहीं से भी उठाएंगे, येलो है रेड है या येलो है वॉयलेट है, ये स्प्लिट हो जाएगा। ऐसे ट्रायड, टेट्रायड, इसको ट्रायड को प्रिज्म भी बोलते हैं, तो ये ध्यान रखना। तो आज के लिए इतना ही गर्ल्स, आप प्लीज़ प्लीज़ इसको बार बार सुनते रहिए, आपको मैं गारंटी दे रही हूँ कि आप अच्छे से इजीली मेमोराइज़ कर पाएंगे अगर आप इसको दो या तीन बार सुन लेंगे।